मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारी धरती को कमजोर बना रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए और हरा भरा एवं स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को जयपुर के SMS स्टेडियम में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला और IMCT फाउंडेशन द्वारा आयोजित पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जीवन में वाहन से प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी लेते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रहने की जरूरत है। और ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए आपके माध्यम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा संदेश देने का काम है। पर्यावरण तो बचाएंगे लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाएं, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मित्रों, हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। इसलिए आवश्यक है ऐसे समय में जो साइक्लोथॉन का कार्यक्रम या इन्होंने रखा है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग साइकिल लेकर के घर से निकले हैं और प्रकृति का संदेश देने के लिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम होने चाहिए। इनके माध्यम से हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए कि हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में हम कितना काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, जन जन से ये अपील भी करना चाहता हूं कि हमको हमारी प्रकृति को संभालने का काम करना है। हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की एक एक जन से कहना चाहता हूं कि हम एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें, ये आवश्यक है। और अगर पर्यावरण हमारा ठीक प्रकार से होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी होगा और हम अच्छी तरह से हमारे पर्यावरण को संभालेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी।